हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। आज दोस्तों जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दोस्तों देखने में आपको बहुत क्वेश्चन इजी लगेंगे, आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो हमको सब आते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये क्वेश्चन ही आप इजी क्वेश्चन जब रॉन्ग करते हो तब आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे रह जाते हो। एक अगर हार्ड क्वेश्चन आप रॉन्ग करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक इजी क्वेश्चन आपने अगर गलत कर दिया तो बहुत सारे स्टूडेंट से आप पीछे रह जाओगे। इसलिए मैंने फंडामेंटल के जो रिपीटेशन क्वेश्चन आए उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा मैं वापस बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो को एंड तक आपको देखना है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चन भी इसमें मैंने डाले हुए। जिस वीडियो को तैयार किया है आई सेल्फ एल आर सोलंकी एंड अदर फैकल्टी एम एल सैनी सर ने तैयार किया है, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। आपके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है कि मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन सीरीज के रिगार्डिंग उनको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे से या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज डालिए। ये मेरे नंबर एल आर सोलंकी मेरे खुद के, ये एम एल सैनी के नंबर, आप दोनों में से किसी को भी मैसेज डाल सकते हो, आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आगे मैं अपन बात करते हैं, ये टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग मैंने बताया। टेस्ट सीरीज जस्ट सीबीटी बेस पे रहेगा, जैसा आपका एग्जाम पेपर आता है उसी के बेस पे रहेगा। सभी एग्जामों के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम जरूर बताएंगे। अभी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करके मेन टॉपिक पर आता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो लेके आए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अभी दोस्तों मैं भी आपका टाइम खराब नहीं करके मेन टॉपिक पे आता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है, विच टेस्ट यूज्ड फॉर यूरिन बाइल कैन बी टेस्टेड, मतलब विच टेस्ट यूरिन बाइल कैन बी टेस्टेड, ऐसा सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टेस्ट से यूरिन का बाइल का टेस्ट होता है। ये टेस्ट, बेनेडी टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, इसमें टेस्ट। राइट आंसर है ये टेस्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिफनेस अकर टू द बॉडी आफ्टर डेथ इज नोन। दोस्तों आपने देखा होगा कि डेथ के बाद में बॉडी में स्टिफनेस आती है, तो ये है एल्गोर मोर्टिस है पहला वाला, ये एकर मोर्टिस नहीं होगा, क्या है एल्गोर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस, राइगट मोर्टिस और टार्डियस प्यूट। तो देखो अभी मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा एल्गोर मोर्टिस क्या होता है। डेथ के बाद में जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है उसको एल्गोर मोर्टिस बोलते हैं। लीवर मोर्टिस क्या होता है, डेथ के बाद में आपकी बॉडी का जो डिस्कलेशन, मतलब बॉडी का डिस्कलेशन हो जाता है, मतलब बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं लीवर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस क्या होता है कि डेथ के बाद में 2 से 4 आवर बाद बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं राइगर मोर्टिस। टार्डियस स्पॉट क्या होता है, टार्डियस स्पॉट पेचेस हो जाते हैं, हेमरेजिक पेचेस को अपन क्या बोलते हैं टार्डिस स्पॉट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अपन ने क्या बोला, स्टिफनेस कौन सी कंडीशन में आती है, राइगर मोर्टिस में। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट पोजीशन फॉर क्लाइंट इन हाइपोवॉल्मिक शॉक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉक की कंडीशन में या अगर हाइपोटेंशन की कंडीशन में आपको कौन सी पोजीशन ली जाती है, नीसेस्ट पोजीशन, टिल्टेड पोजीशन, फॉलोज पोजीशन, लेटरल पोजीशन। इसका दोस्तों राइट आंसर है टिल्टेड पोजीशन बी। टिल्टेड पोजीशन के बारे में मैं आपको एक और बताता हूँ कि सर्जरी के टाइम में भी टिल्टेड पोजीशन दी जाती है, बहुत बार ऐसा इसका क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछते हैं। एक इसमें एक और है जो नीसेस्ट पोजीशन है, नीसेस्ट पोजीशन आल्सो नोन ऑफ द जेनुफैक्टोरल पोजीशन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नीसेस्ट पोजीशन को अदर किस नाम से जाना जाता है, वह जेनुफैक्टोरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से देखना है। 500 ml ऑफ द IV फ्लूड नीड टू बी एडमिनिस्ट्रेशन और 5 ओवर फैक्टराइज 20 कैलकुलेटर ड्रो बाय पर मिनट। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मैं आपको सिंपली बता दूँ, बिल्कुल विदाउट फॉर्मूला। 500 ml, ठीक है, 1 ml में कितना है 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी क्या करना है, कितने ओवर तक, 5 ओवर तक। क्या पूछा हुआ है, मिनट्स में, 1 ओवर में मिनट कितनी होती है 60। अब आपको क्या करना है, सिंपली यह 60 हो गए, 5 टू 500 100 टाइम, ठीक है,
सिक्स, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, वन से दो, टू से वन, वन टाइम्स सॉरी टू, टू से वन टाइम और सिक्स थ्री टाइम। अब हंड्रेड में डायरेक्ट थ्री से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, थर्टी, थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री, थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री मतलब थर्टी ड्रॉप पर मिनट। वापस बता रहा हूँ, फाइव हंड्रेड को इंटू ट्वेंटी अपॉन फिफ्टी फाइव इंटू सिक्सटी, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होना ही होना है। एलिवेटर स्पेटिक ग्रेविटी कैन बी सीन, ऑप्शन ए डायबिटिक इंसिपिडिस, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी हाइपोवोल्मिया और ऑप्शन डी हाइपोकैल्मिया। देखो दोस्तों, जो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डिक्रीज भी हो जाती है, इंक्रीज भी होती है। डिक्रीज कौन सी कंडीशन होती है, इंक्रीज कौन सी कंडीशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगी। डिहाइड्रेशन और एस आई ई डी एस, ठीक है, जो ई डी एस हार्मोन है उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगी। डिक्रीज कौन सी कंडीशन में होगी, डायबिटिक इंसिपिडिस में, हाइपोवोल्मिया हाइपोकैल्मिया, इन तीनों की कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगी। एलिवेट कौन सी कंडीशन होगी, वो होगी डिहाइड्रेशन और एस आई ई डी एस, ठीक है। वापस लिख देता हूँ, एस आई ए डी एस, एंटी डायबिटिक हार्मोन वाला। नेक्स्ट, हाईएस्ट लेवल ऑफ द नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो हर्ट्ज़ थ्योरी, ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल, ऑप्शन बी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन सी लव एंड बिलोंगिंग, ऑप्शन डी सेल्फ रेगुलेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद हमारे कमेंट बॉक्स में बताना, इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको एक बात ये बता देता हूँ कि ये थ्योरी से रिलेटेड जो ये पूरी थ्योरी है, इसको आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है। इसका जो ये एरो वाला ये है, कितने लोगों ने इसमें अकॉर्डिंग टू बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसको अच्छे से ढंग से पढ़ना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कंटेंट मस्ट बी यूज्ड फॉर डिस्कार्डिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इन हॉस्पिटल, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल में होता है उसको कौन से कंटेनर में डाला जाता है, ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी ब्लैक। राइट आंसर येलो। आपको ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो येलो कंटेनर में जाएगा। इसके अलावा जो बॉडी की टिश्यू, बॉडी के पार्ट, ब्लीडिंग पार्ट, फ्लूड और माइक्रोबायोलॉजी या जो बायोटेक्नोलॉजी के कुछ बीटी बायोटेक्नोलॉजी के भी कुछ पार्ट होते हैं वो इसमें जाएगा। ब्लैक के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो डिस्कार मेडिसिन और केमिकल वेस्ट भी होगा जो ब्लैक में जाएगा, रेड में आपको पता है, ब्लू में पता है, रेड में प्लास्टिक अट्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड कैलोरी टेस्ट यूज टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ, कोल्ड कैलोरी टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ब्रेन स्टेम, ऑप्शन सी पोन्स और ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। देखो दोस्तों, जो कैलोरी स्टिमुलस टेस्ट होता है, कोल्ड कैलोरी स्टिमुलस टेस्ट किया जाता है एकॉस्टिक नर्व की, ठीक है, एकॉस्टिक नर्व के लिए किया जाता है, डिफरेंट टेम्परेचर पर किया जाता है। ये एकॉस्टिक नर्व क्या होती है, हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा कोल्ड कैलोरी टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ब्रेन स्टेम के लिए। एक तो एकॉस्टिक नर्व ACUSTAC एकॉस्टिक नर्व, और दूसरा ब्रेन स्टेम के लिए, वो नर्व के किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हियरिंग और बैलेंस के लिए। किसी को अगर इसकी PDF चाहिए आप मेरे WhatsApp नंबर पे कमेंट कर सकते हो, आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं इसके आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा। इफ ए ब्लड प्रेशर कप इज टू लो टू नैरो और रेपर टू लूजली द ब्लड प्रेशर रीडिंग विल बी, ऑप्शन ए डिपेंडेंट ऑन एग्जामिनर हियरिंग एक्विटी, ऑप्शन बी डिफिकल्ट टू हियर बिकॉज साउंड विल बी मफल्ड, ऑप्शन सी फाल्सली लो और ऑप्शन डी फाल्सली हाई। देखो दोस्तों, जो BP का जो कप होता है, कप अगर लूज होगा या नैरो होगा, टाइट होगा, लॉन्ग होगा, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर नैरो या लूज है तो ऑलवेज BP क्या होगा, हाई होगा। अगर नैरो और लूज हो तो BP क्या होगा, हाई होगा। लेकिन अगर लार्ज और टाइट हो, अगर BP का कप लार्ज या टाइड हो, उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, फाल्सली लो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फाल्सली हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी मिडलाइन रीजन। देखो, अवे फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी है, ठीक है, सपोज बॉडी से दूर जाना, एक बॉडी के पास आना, मतलब ये मिडलाइन है, मिडलाइन के टूवर्ड और मिडलाइन के आउटवर्ड। टूवर्ड आ रहा है मतलब पास आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, टूवर्ड, और दूर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड।
तो बॉडी अवे फ्रॉम द पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब आउटवर्ड जा रहा है और आउटवर्ड जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं एबडक्शन। लेकिन अगर मिड लाइन की तरफ आ रहा है टू आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं एडक्शन। आपको मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एड ये बॉडी है, बॉडी के पास में आया मतलब बॉडी के साथ में एड हो रहा है तो एडक्शन, बॉडी से दूर जा रहा है एबडक्शन। एक्सटेंशन क्या होता है, जब दो पार्ट के बीच में सपोज ये अपना एल्बो है ठीक है, ये अगर एक्सटेंड हो जाएगा पूरा, ये एक्सटेंड हो गया तो दोनों के बीच में एंगल क्या बढ़ रहा है, टू पार्ट्स के बीच में एंगल बढ़ जाता है। और प्रोनन क्या होता है, एक्सटेंशन ही होगा। फ्लेक्शन क्या होता है, टू पार्ट्स के बीच में ये जैसे एक्सटेंशन हो गया, फ्लेक्शन क्या होगा, ये फ्लेक्शन वाली कंडीशन है, इसमें एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आपका कम हो जाएगा मतलब डिक्रीजिंग द एंगल्स, इसको टू पार्ट डिक्रीजिंग द एंगल्स कॉल बाय द फ्लेक्शन। एक्सटेंशन में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर प्रोनेशन क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फुट, फुट का इनवर्ड मूवमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं प्रोनेशन। ये क्वेश्चन जोधपुर एम्स में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड जो ये एनाटॉमी है इसके रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके सब टर्म मैंने क्लियर करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट, ऑप्शन ए लोअर थाई, ऑप्शन बी अपर थाई, ऑप्शन सी इन बैग इन लेंग, ऑप्शन डी फुट। राइट आंसर है अपर थाई बी, राइट आंसर क्या है अपर थाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाती है, ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी प्रोन, ऑप्शन सी लिथोटोमी और ऑप्शन डी लेफ्ट लेटरल। इसके लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है, लेफ्ट लेटरल। इसके लिए मैं आपको और बता देता हूँ, सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के लिए कौन सी पोजीशन हो गई, लेफ्ट लेटरल। और जब आप फ्लेट्रस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, फ्लेट्रस ट्यूब इंसर्ट करते हैं उस कंडीशन में भी आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है फ्लेट्रस ट्यूब इंसर्ट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर फ्रॉम लेग कॉर्डस्कोप साउंड इज एक्यूलेटेड, ऑप्शन ए एक्सिलरी आर्टरी, ऑप्शन बी ब्रेंकियल आर्टरी, ऑप्शन सी फीमोरल आर्टरी, ऑप्शन डी अल्नर आर्टरी। ये आपको कन्फ्यूजन करेगा, आप क्या करेंगे, ये साउंड पढ़ लिया मतलब ऑप्शन आँख बंद करके ब्रेंकियल आर्टरी कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान समझना, ब्लड प्रेशर कहाँ से ले रहा है, लेग से। अगर ब्लड प्रेशर लेग से ले रहा है उस कंडीशन में राइट आंसर क्या होगा, फीमोरल आर्टरी। अगर अपर आर्म्स या हैंड से ले रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्रेंकियल आर्टरी। इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, सी फीमोरल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर कंप्लीटिंग सक्शनिंग ऑफ द ट्रेकेस्टम ट्यूब इज, ऑप्शन ए 5 to 10 seconds, ऑप्शन बी 10 to 20 seconds, ऑप्शन सी 20 to 30 seconds और ऑप्शन डी 30 to 45 seconds। राइट आंसर क्या है, 5 to 10 seconds, 5 to 10 seconds। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द रिस्क ऑफ द एच आई वी इन्फेक्शन आफ्टर नीडल स्टिक इंजरी विथ एच आई वी इन्फेक्टेड ब्लड, ऑप्शन ए 1:50, ऑप्शन बी 1:100, ऑप्शन सी 1:200, ऑप्शन डी 1:300। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 1:300। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल गिविंग एनिमा विच हाइट कैन बी प्लेस, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि एनिमा देने के टाइम में जो स्टेन है आई वी स्टेन या एनिमा को कितनी डिस्टेंस पे लगाया जाता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सब बता रहे थे उसका ध्यान से देखना, 45 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे, 45 सेंटीमीटर 18 इंच हो गए। इस ऑप्शन में क्या होगा, 40 से 50 का एवरेज क्या होगा, 45, तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी। इसके अलावा मैं आपको बात करता हूँ कि जो रेक्टल ट्यूब होती है ठीक है, रेक्टल ट्यूब कौन से नंबर की होती है एडल्ट के लिए, एडल्ट के लिए होती है 22 से 30 फ्रेंच और चिल्ड्रन के लिए रहती है 18 to 22, चिल्ड्रन के लिए 18 से 22, एडल्ट के लिए 22 से 30। इसके अलावा आपको जो एनिमा देते हैं, एनिमा देने के दौरान कौन सी पोजीशन होती है, ड्यूरिंग द एनिमा पोजीशन इज सिम्स पोजीशन, कौन सी पोजीशन, सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन इज टेस्टेड यूजिंग विस अमाउंट द फॉलोइंग टेस्ट, ऑप्शन बी ऑप्शन ए वेबर टेस्ट, ऑप्शन बी राइनर टेस्ट, ऑप्शन सी रोमबर्ग टेस्ट और ऑप्शन डी एलन टेस्ट। जो एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन जो किसके लिए, ईयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ईयरिंग के लिए, उसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं, वेबर टेस्ट, राइनर टेस्ट, रोमबर्ग टेस्ट। तीनों टेस्ट किसके रिलेटेड हैं आपके,
ईयर के रिलेटेड है। लेकिन एलएन टेस्ट किसके रिलेटेड है, ये आपको जब एबीजी करते हैं, एबीजी करने से पहले अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए एलएन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए एलएन टेस्ट किया जाता है। लेकिन एयर कंडक्शन बोर कंडक्शन, जो कंडक्शन कंडक्शन चेक किया जाता है, वो किया जाता है रेनर टेस्ट। बी राइट। डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ द पेशेंट बिगिन, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी डिस्चार्ज प्लानिंग कब से शुरू होती है, व्हेन द फिजिशियन ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज, व्हेन पेशेंट स्टार्ट शोइंग पॉजिटिव रेस्पॉन्स टू योर ट्रीटमेंट, एट द टाइम ऑफ द इनिशियल ऑफ द ट्रीटमेंट, और ऑप्शन डी एट एडमिशन। तो राइट आंसर क्या होगा, जब पेशेंट को एडमिशन किया जाता है उसी टाइम उसके डिस्चार्ज की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो एट एडमिशन। राइट आंसर क्या होगा, एट एडमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोडर्मल इंजेक्शन कॉमनली नोन एज, ऑप्शन ए इंट्राडर्मल आईडी, ऑप्शन बी सबक्यूटेनस, ऑप्शन सी आईवी इंट्रावेनस, और ऑप्शन डी आईएम। हाइपोडर्मल इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक इंजेक्शन वो बोलते हैं सबक्यूटेनस को, कितने डिग्री एंगल पे लगाया जाता है, 45 पे, और आईवी आईडी लगता है 10-20, या अपन ऐसे बोल सकते 15 डिग्री एंगल पे, आईएम 90 डिग्री एंगल पे, आईएम 90 डिग्री एंगल पे, सबक्यूटेनस 45 डिग्री एंगल पे, और आईडी 10-20 अगर वन ऑप्शन पूछा जाए तो 15 डिग्री एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नर्सिंग ऑफिसर सीका हैज टू एडमिनिस्ट्रेशन ईयर ड्रॉप टू एडल्ट, हाउ डोज द नर्सिंग ऑफिसर पुल द पेशेंट ईयर, ऑप्शन ए आउटवर्ड, ऑप्शन बी बैकवर्ड, ऑप्शन सी डाउटवर्ड एंड बैकवर्ड, और ऑप्शन डी अपवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो दोस्तों, मैं आपको इसके लिए ट्रिक्स बता देता हूँ। एक होता है एडल्ट, एक होता है चिल्ड्रन, एडल्ट और चिल्ड्रन। आपको पकड़ना क्या है, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। एडल्ट में आपको पकड़ना है यू, यू का मतलब होता है अपवर्ड, तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड एडल्ट, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ये एडल्ट पूछा है तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड क्या हो जाएगा, एडल्ट। चिल्ड्रन की बात आते हैं, चिल्ड्रन में क्या होगा, डाउन डी को पकड़ना है, मतलब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए। ईयर पिना को जो आप पकड़ते हैं, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड किसके लिए यूज होगा, चिल्ड्रन के लिए, अपवर्ड एंड बैकवर्ड एडल्ट के लिए, तो डी एडल्ट के लिए और सी चाइल्ड के लिए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस के कितने स्टेप होते हैं, नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या, असेसमेंट और इवोल्यूशन से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको राइट जो आपने गोल डिसाइड किए वो अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, तो इवोल्यूट की कंडीशन में आप क्या करोगे, उस प्रोसेस को कंप्लीट वापस कर लोगे, तो ये हो गया असेसमेंट। सेकेंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हैंड वॉशिंग, ऑप्शन राइट आंसर है फ्रैक्शन। आप इस क्वेश्चन में बहुत बार कन्फ्यूजन होते हैं, कन्फ्यूजन क्यों होते हैं, कि टाइम ऑफ फ्रैक्शन के साथ में आपको ऐसा लगता है कि टाइम होगा या फ्रैक्शन होगा, लेकिन जहाँ तक लगता है इसका राइट आंसर क्या है, फ्रैक्शन। क्योंकि अगर कंप्लीटली फ्रैक्शन नहीं करोगे तो कंप्लीटली मतलब आपके 7 स्टेप कंप्लीट नहीं होगे, आप अगर आधा घंटा तक भी अगर हाथ को वहाँ लगा रखा होगे लेकिन आपके अगर 7 स्टेप कंप्लीट नहीं है तो फ्रैक्शन का टाइम का कोई मतलब नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू चेक द पोजिशन ऑफ द न्यूली प्लेस एनजी ट्यूब, जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है अभी नई नई डाली हुई है, तो चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है रेडियोलॉजिकल मेथड। रेडियोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या आता है, प्लेसिंग ऑन ऑर्डर फॉर एक्सरे टू चेक पोजिशन, जब आपका जहाँ पे आपने एनजी ट्यूब डाली है वहाँ का एक्सरे निकाल लेंगे तो उसमें एक्यूरेट पोजिशन आ जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हो, और इसके अलावा जो एनजी ट्यूब डाली है उस फ्लूड में निकालोगे, फ्लूड को निकालने के बाद में वहाँ से आप पीएच चेक करते हो, ठीक है, कि भाई इसकी पीएच कितनी है, अगर पीएच कम है मतलब एसिडिक है, एसिडिक का मतलब क्या है, स्टोमा हुआ है, पीएच ज़्यादा है तो उसको मतलब क्या इंटेस्टाइन में भी जा सकती है, तो उसमें पीएच ज़्यादा हो। इसके अलावा आप एयर डालोगे, एयर डालने के बाद में आप स्टेथोस्कोप से साउंड सुन सकते हो, आपको साउंड में भी डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ इन पेशेंट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ इन क्लाइंट को क्या बोलते हैं, यूपनिया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जाता है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन क्लाइंट, राइट आंसर यूपनिया।
लेकिन अगर ये डेप्थ और रिदम इंक्रीज हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं टिकिपनिया, और अगर डिक्रीज हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं ब्रिपनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, आगे भी मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो आपको आपको वीडियो के साथ बने रहना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्जाम जिप में पीजीआई नागपुर एम्स पटना एम्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वापस में बता देता दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि एग्जाम से पहले आपके जो ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं वो एकदम क्लियर हो सके, जो इजी क्वेश्चन आप मेन एग्जाम में गलत करते हो वो यहाँ पे आप गलत करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन मैंने गलत किया, वही एग्जाम में रिपीट होगा तो आपका गलत नहीं होगा। आपका यहाँ अगर एग्जाम दोगे जस्ट लाइक आपका एग्जाम का पैटर्न हम लेंगे तो आपको आपकी जो एंजाइटी है एंजाइटी भी रिड्यूस हो जाएगी। और मैंने टेस्ट सीरीज रिगार्डिंग क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें उसको आप देखिए, आपको बेनिफिट्स नज़र आने लग जाएगा। अगर रियली बेनिफिट नज़र आने लगते हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। थैंक यू मिशन हाई नर्सिंग फैमिली की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर मिशन हाई नर्सिंग ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हो, हाई एड टू मिशन, और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सेपरेट ग्रुप है, इसलिए अगर कोई जुड़ने चाहते हैं गर्ल्स भी और बॉयज़ भी तो आप जुड़ सकते हो। थैंक यू।